जनाबे सैयदा फरमा रही है मुझे बच्चों की पांच खसलतें पसंद है, इन्नी उहिब्बु मिन सबियान खमसतो खसालिन, मुझे बच्चों की पांच खसलतें पसंद है। उन पांच खसलतों में से एक खसलत मेरा मौजू है इस वक्त का। फरमाती हैं अलव्वल, सबसे पहली सिफत सैयदा फरमाती हैं मुझे बच्चों की ये पसंद है, इन्नहुम अलबाकून, ये रोते ज्यादा है। सैयदा को बच्चों का रोना बच्चे पसंद इसलिए है कि रोते ज्यादा है। क्यों? औरतें और बच्चे जल्दी रोते हैं, ज्यादा रोते हैं। औरतें भी जल्दी रो पड़ती हैं और बच्चे भी जल्दी रो पड़ते हैं। उसका सबब क्या है? उसका सबब है दिल का नर्म होना। बच्चे का दिल बहुत छोटा होता है, दिल नर्म होता है। खातून का दिल नर्म होता है। क्यों इस्लाम ने कहा है कि औरत जज ना बने, औरत को जज ना बनाया जाए? औरत को जज ना बनाने का मकसद औरत की तौहीन नहीं है, तुम्हारी साख्त ऐसी है कि तुम जज का काम कर नहीं सकती, तुम्हारी बनावट ऐसी है, तुम्हारा सांचा जिसमें तुम्हें बनाया गया है वो कुछ ऐसा है कि तुम जज का काम अच्छा नहीं कर पाओगी। इसलिए कि अगर औरत के सामने, जज साहिबा के सामने कोई मुजरिम रो पड़ा तो ये उसके हक में फैसला दे देंगी। इनका दिल नरम होता है, ये ज्यादा बहस मुबाहसा नहीं कर पाएंगी, दिल सख्त नहीं कर पाएंगी, अगर करेंगी तो अपनी फितरत से हटेंगी। इसलिए ऐसा इनको कलमदान ना दो, ऐसा काम इन्हें ना दो जो ये इनके एहसास आड़े आ जाए, इनके जज्बात उसके आड़े आ जाए। खबरदार वो काम इन्हें नहीं दो। बच्चे जल्दी रो पड़ते हैं, क्यों? इसलिए कि इनका दिल नरम है। सैयदा फरमा रही है मुझे पसंद है कि ये रोते ज्यादा हैं। पूरी हदीस सुना दूं? अल्लाह अकबर। सैयदा फरमा रही है मुझे सबसे पहली सिफत बच्चों की ये पसंद है, अलाउल इन्नहुम अलबाकून, ये रोते ज्यादा हैं। जिसका दिल नरम होता है वही रोता है। दूसरी सिफत में फरमाती हैं, या ला यद्दखिरून लिगदिन, ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते, अभी चाहिए और यही चाहिए। आप कितना ही कहते रहे कल दिलवा देंगे, इससे अच्छा दिलवा देंगे, तो कहते नहीं कल तो हमें देखी नहीं, हमें तो अभी चाहिए, ये आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। बीबी फरमा रही है मुझे बच्चों की ये सिफत अच्छी लगती है। तीसरी सिफत बीबी फरमा रही है, यजतमेऊना अला तुराब, ये मट्टी पर बैठ जाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। अम्मा उजले से कपड़े पहना कर भेजती है, ये मट्टी में अटके वापिस आ जाते हैं। अरे भाई तुम्हें अभी तो तैयार किया था, क्या हो गया? बच्चा मट्टी पर बैठकर पैगाम देता है कि जो जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, तकब्बुर मत करो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं, और ये तरबियत हमारी फर्श अज़ा से हो रही है। ये तरबियत शिया कौम में आपको मगरूर लोग नहीं नजर आएंगे, तकब्बुर हमारे यहां नहीं आता। इसलिए जो कौम फर्श पर बैठने की मशक कर रही हो वो मगरूर नहीं होती। जी इमाम बारगाह से बाहर जाएंगे, इमाम बारगाह के अंदर आएंगे तो फर्क हो जाएगा, कुछ देर के लिए ही सही, दिन में चार दफा ही सही, तकब्बुर मिटाने की मश्क करवाई जाती है। कितना बड़ा एहसान है इस अज़ादारी का हमारे ऊपर। हमसे अज़ादारी नहीं है, हम अज़ादारी से हैं। कोई जहन में अपने ना बिठाए कि हमसे अज़ादारी चल रही है, हमसे अज़ादारी नहीं चल रही, हम अज़ादारी से जिंदा हैं। हमें मश्क करवाई जाती है तकब्बुर मिटाने की, गुरूर मिटाने की। जैसे ही इमाम बारगाह में आके बैठे, मालूम है हमारे आगे जो बैठा है वो हमारा ड्राइवर है, वो जो आगे बैठा है वो हमारा कुक है, वो जो आगे बैठा हुआ है वो उसने हमारे घर में झाड़ू देता है। तो भाई तुम कहाँ बैठे हो? ये इमाम बारगाह के बाहर तुम्हारा ड्राइवर होगा, यहाँ तो फकीर हुसैन है, यहाँ तुम और बराबर है, ये और तुम बराबर हो। ये कहाँ, ये एहसास कहाँ होता है हमें? ये एहसास हमें फर्श अज़ा पर होता है। फरमा रही है यजतमेऊना अला तुराब, ये मट्टी पर बैठ जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। चौथी सिफत बीबी फरमा रही है, यामरूना सुम्मा यखरबून, ये मट्टी के खिलौने बनाते हैं, खेलने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। मुमकिन है आप में से कोई कहे कि मौलाना आप तो मट्टी के खिलौने कोई बच्चा नहीं बनाता, अब तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का दौर है, अब तो सेलों से चलने वाले खिलौनों का दौर है। तो खिलौना बदला है, बच्चा नहीं बदला जी, खिलौना बदल गया है मगर बच्चा नहीं बदला। ये बच्चा ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौना भी तोड़ देता है, ये एक महीने से ज्यादा किसी घर में खिलौना चलता नहीं है, ये तोड़ देता है उसे। ये तोड़ कर बता रहा होता है बीबी फरमा रही है मुझे अच्छा लगता है, ये बच्चा खिलौने को खेलने के बाद तोड़ देता है, इसलिए कि इस बच्चे की दुनिया ही ये खिलौना है और ये अपनी दुनिया को तोड़ देता है। मुझे अच्छा लगता है ये अपनी दुनिया को तोड़ देता है। पांचवी सिफत बड़ी अजीम सिफत है, और शायद बच्चों के ऊपर अगर हम गौर करें तो ये छोटा सा बच्चा हमारे लिए एक मदरसा बनकर दिखाई देगा। फरमा रही है पांचवी सिफत मुझे इस बच्चे की ये पसंद है कि यख्तसमूना बेगैर हिक्दिन, ये लड़ते हैं मगर दिलों में कीना नहीं रखते। सलवात हदिया करे सैयदा के नाम पर।
इससे बेहतर सलवात अदा करें बीवी ने। रोते ज्यादा है मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा रोना सैयदा को पसंद है। और जो कौम, जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जो कौम रोने की मशक करती हो वो किसी को रुलाती नहीं है, दिल उसका नर्म होता है, वो किसी को बर्बाद होता हुआ जलता हुआ नहीं देख सकती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमसे लोग महफूज हैं, हमने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, और शायद यही चीज खाई जा रही है हमारे मुखालिफ को। और यह भी कहता हूं आगे बढ़ूं, आजादारों पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे तो पाकिस्तान में ढूंढने से नहीं मिल रहा अपना दुश्मन। अभी पिछले दिनों डेरा गाजी खान से कराची की हमारी परवाज थी, हमारे साथ एक मुफ्ती साहब थे। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब आप अपने लोगों से कहिए कि हम शियों के खिलाफ किताबें लिखें, असलहा रखें, इसलिए कि असलहे से कुछ नहीं होता, असलहा उठाने वालों को बहरहाल असलहा रखना पड़ता है, चाहे 100 साल तक उठाए रखें, नतीजा यही होता है कि बैठ के बात करो। हमारे खिलाफ किताबें लिखें, कहने लगे भाई बड़े जिगर की बात है, आप अपने मुखालिफों को दावत दे रहे हैं कि आपके खिलाफ किताबें लिखें। तो मैंने एक जुमला उनसे कहा था जो आपसे नकल कर रहा हूं, मैंने कहा मुफ्ती साहब सवाल होना ऐब नहीं है, जवाब ना होना ऐब है। आप हम पर एतराज करें, हमसे पूछें, अजीब बात है, हमारे बारे में फैसले कर रहे होते हैं, हमारे बारे में राय कायम कर रहे होते हैं, हमसे नहीं पूछ रहे होते। ये शिर्क करते हैं, क्या शिर्क करते हैं भाई, ये याली मदद बोलते हैं, तो बोलते हैं हमें फैसला आप करेंगे भाई, हम बताएंगे ना कि हम याली मदद क्यों बोलते हैं और क्या बोलते हैं, क्या समझ के मौला से मदद मांगते हैं, ये हम तशरीह करेंगे बोलने वाले, आप तो तशरीह नहीं करेंगे। इनका कलमा अलहदा है, इनकी नमाज अलहदा है। मुफ्ती इसहाक साहब अल्लाह उनकी मगफरत करे, हमारे देवबंदी भाइयों के बहुत बड़े मुफ्ती थे फैसलाबाद वाले, उनकी रहलत हो गई पिछले साल, उनकी जिंदगी में मैं उनसे मिलने जाता था, मुझसे बड़ा प्यार करते थे। उनकी रहलत के बाद भी मैं उनकी फातिहा के लिए गया, अगरचे उनके फातिहा पढ़ना उनके खानदान में जायज़ नहीं है, लेकिन उनकी ताजियत के लिए मैं हाजिर हुआ था, पढ़ा, उन्होंने काम किया। अपने मजमे से खिताब करते हुए कहने लगे, सुनो ये सुन्नी शिया का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है, सुन्नी शिया में इख्तलाफ है, झगड़ा नहीं है। जैसे शिया शिया में इख्तलाफ हो सकता है, भाई भाई में इख्तलाफ हो सकता है, मगर झगड़ा और होता है, इख्तलाफ और होता है। ये सुन्नी शिया का इख्तलाफ जरूर है मगर झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा यहूदी ने फैलाया है। तो एक लंबा सा पर्चा आ गया मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, इनकी तो नमाज अलहदा है, इनका तो रोजा अलहदा है, इनका कलमा अलहदा है, इनकी इबादतें अलहदा है। मुफ्ती साहब ने कहा क्या कहते हैं कलमे में, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले कहते हैं अली वलीउल्लाह, सारे मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद ये अली वलीउल्लाह कहते हैं, ये कलमा जो तुम सब पढ़ते हो उसके बाद अली वलीउल्लाह कहते हैं ना, तो मुझे बताओ अपने मजमे से कहते हैं, मुझे बताओ अली अल्लाह के वली नहीं है? सारे मजमे से मुफ्ती साहब ने इकरार लिया, हाँ अली अल्लाह के वली है। कहने लगे बस फर्क यही है, तुम मानते हो बोलते नहीं हो। और ये मानते भी हैं बोलते भी हैं। अच्छा वैसे रात ज्यादा तो नहीं हुई है, वैसे हकीकत भी यही है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मानते हैं बोलते नहीं हैं। बोलने के लिए तो जुर्रत चाहिए ना, बोलने के लिए तो फिर शहादतें मिलती हैं, फिर तो घर जलते हैं, फिर तो हमले होते हैं, फिर तो लश्कर कशियां होती हैं, फिर तो टारगेट किलिंग होती है। मैंने आयत जो ली है उसका मजमून भी कुछ यही है, मोहब्बत तो हमसे नहीं मांगी है, मोहब्बत पे तो खर्चा ही नहीं होता, अम्र कल्बी है, दिल के दिल किससे बात है, मवद्दत पे खर्चा होता है, और खर्चा सिर्फ पैसे का नहीं होता, जान का भी होता है। लिहाजा हर एक में जरूरत नहीं है, और बहरहाल जिसकी जितनी जरूरत है उसे मुबारक हो, आफरीन शाबाश मरहबा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं बोलते नहीं हैं। दसियों दफ़ा हुआ है, मैं बहुत सारी बातें रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहता, हमारी जो मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ रसानों पर मुख्तलिफ मरहलों में, तो जब हमारा मौक़िफ़ वहाँ जा रहा होता है तो वो इख्तलाफ कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी बात है, और जब वो निशस्त ख़त्म हो जाती है तो आहिस्ता से कहते हैं कि जो आपने बात कही है यही बात सही है, मगर हम वहाँ कह नहीं सकते थे। चल बात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाला।